ईडी को लेकर जो अभी हम इतनी बातें कर रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों को लेकर जो बातें कर रहे हैं, एक बार वो भी दिखा देते हैं किसके ऊपर क्या मामले चल रहे हैं या क्या चल रहा है वो भी दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट भी हैं, वो भी देख लीजिए किसके रडार पर कौन है ये देख लीजिए आप, उसके बाद देखिए हमारे साथ बड़े अच्छा एक पैनल है। अभी तो हम यशवंत जी के पास गए नहीं है, महेश जी के पास गए नहीं है, अजीत पवार सुर्खियों में है, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मौजूदा, कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में जांच चल रही है, अदालत में सिंचाई घोटाले का मामला है, आरोपी हैं इस मामले में। अब इनको आप भ्रष्टाचारी मानेंगे नहीं मानेंगे ये आपकी अपनी वहां पर इंटरप्रिटेशन हो सकती है। हसन मुशरीफ शुगर फैक्ट्री घोटाले की जांच 11 जुलाई तक अंतरिम जमानत पर है, ये इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। अब ये देखिए ये जो मंत्री शामिल हुए उसकी बात हम कर रहे हैं, छगन भुजबल देखिए ठेके में 100 करोड़ के हेरफेर का आरोप, 2 साल जेल में रहकर अब जमानत पर है। अब ये 3 लोग हैं जो जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं और ये उसमें शामिल भी हुए हैं, वो तो खुद एनसीपी के तो तोड़कर ये लेकर आए हैं अजीत पवार और उन उप मुख्यमंत्री तक बन गए। लेकिन ये केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बहुत सारे पैन इंडिया ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर ईडी के गंभीर मामले चल रहे हैं, ईडी की गंभीर जांच चल रही है। आप जल्दी से वो भी दिखाइए, यहां पर देखिए आपके सामने राहुल गांधी, मनीष सिसोदिया, ममता बनर्जी, इनके ऊपर तमाम तरह के अलग अलग मामलों के जांच चल रहे हैं। शरद पवार, एमके स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, इनके ऊपर आप देख लीजिए, लालू परिवार, ठाकरे परिवार, ये तमाम ऐसे। तो महेश जी सीधा सवाल, अजीत पवार के जाने से एनसीपी में जो शरद पवार हैं वो कितने कमजोर हुए? जरूर, मैं आपकी तरफ आने से पहले मुझे नलिन जी का एक सवाल उन्होंने पैदा किया उसके ऊपर जवाब देना है। ये नलिन जी ने अभी जो बात की कि जब तक कन्विक्शन नहीं होता उसे भ्रष्टाचारी नहीं करना कहना चाहिए, ऐसा मैं उसका अर्थ समझ रहा हूँ, तो मुझे नलिन जी से एक बड़ी नम्रतापूर्व तरीके से उनको एक सवाल पूछना है। प्रधानमंत्री जी ने 26 अप्रैल को जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को और उनके नेताओं को भ्रष्टाचारी कहा, उनको आप क्या लीगल एडवाइस दोगे? ये पहली बात। दूसरा, आपकी तरफ आता हूँ, आपने जो अभी सवाल पूछा कि अजीत पवार जी जाने के बाद क्या असर पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अभी जो 9 लोगों ने शपथ ली है वो 9 लोग बर्खास्त किए गए हैं। हम लोग ने उनके लिए विधानसभा स्पीकर के पास एक लेटर दिया है उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। अभी वो दावा ये कर रहे हैं अजीत पवार गुट कि उनके पास 36 या जो आप दिखा रहे थे आंकड़े उतने लोग हैं, और आपने इसके साथ ये भी दिखाया जो तस्वीरें दिखाई शरद पवार साहब की सतारा की, उसके साथ जो मकरंद पाटिल जो कल उनके साथ थे वो आज इनके साथ है, ये भी आपने दिखाया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सही है, बहुत सारे विधायक हमारे पार्टी लीडरशिप के संपर्क में है, वो कह रहे हैं कि वो वापस आना चाहते हैं। बेसिकली अभी देखिए, आप माने ना माने, उनका कहना ये है कि जो सिग्नेचर्स उन्होंने किए थे वो उनको बताया नहीं गया था किस चीज के लिए किए, जो भी कुछ है वो अभी 1-2 दिन में सब सामने आएगा हमारी पार्टी। मतलब आप कह रहे हैं कि अजीत पवार ने कोई डेंट नहीं किया।